डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट टूडे वी आर कॉन्टिन्यूइंग योर कंप्यूटर चैप्टर नंबर फाइव द माउस देखो कल हमने आपको माउस के बारे में बताया था इसको हम बोलते हैं माउस ये हमारे किस काम आता है किसी भी आइटम को मोनिटर पे सेलेक्ट करने के काम आता है पिक्चर ड्रॉ करने के काम आता है और प्ले गेम्स गेम्स खेलने के काम आता है माउस तीन तरह के होते हैं कौन कौन से मैकेनिकल माउस ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस के अंदर वायर होती है ये वायर से कंप्यूटर में जुड़े होते हैं वायरलेस माउस के अंदर वायर नहीं होती है माउस के कितने बटन होते हैं हमारे तीन कौन कौन से लेफ्ट बटन राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील इसको बोलते हैं हम लेफ्ट बटन इसको हम राइट right, बोलते हैं राइट right बटन तो जो बीच में व्हील होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील इसके बाद मैंने आपको बताया था माउस को पकड़ते कैसे हैं देखो माउस को कैसे पकड़ते हैं हम जो हमारी इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के पास वाली उंगली है वो हमारी लेफ्ट बटन पे होती है और जो सबसे बड़ी उंगली है वो राइट बटन right पे होती है इन दोनों उंगली के बीच में क्या होता है हमारा स्क्रॉल व्हील होता है और माउस को किस पे रखते हैं हम पैड के ऊपर माउस पैड के ऊपर माउस को हम माउस पैड के ऊपर रखते हैं ठीक है आज हम आपको बताएंगे यूजिंग ए माउस माउस को हम कैसे यूज करते हैं प्रेसिंग द माउस बटन्स इज कॉल्ड क्लिकिंग जब भी हम माउस के बटन को दबाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिकिंग प्रेसिंग द माउस बटन्स इज कॉल्ड क्लिकिंग द माउस डिस्प्लेस एन एरो द मोनीटर जब भी हम माउस को क्लिक करते हैं तो माउस क्या करता है जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर है उस पे एक एरो दिखाता है ये आपको एरो दिखाई दे रहा है आपको कंप्यूटर पे जो माउस है वो इस ये क्या दिखाता है ऐसे एरो दिखाता है इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज ए पॉइंटर इसको हम बोलते हैं पॉइंटर दिस एरो इस एरो को हम क्या बोलते हैं पॉइंटर वैन यू मूव द माउस द पॉइंटर ऑल्सो मूव जब हम माउस को हिलाते हैं तो ये जो एरो है हमारा ये भी हिलता है दोबारा देखो प्रेसिंग द माउस बटनस ज कॉल्ड क्लिकिंग माउस के बटन को प्रेस करने को हम क्या बोलते हैं क्लिकिंग द माउस डिस प्लेस एन एरो ऑन द मोनीटर मोनिटर के ऊपर माउस कैसे दिखाई देता है हमारे को एरो दिस एरोज कॉल्ड पॉइंटर इस एरो को हम क्या बोलते हैं पॉइंटर वैन यू मूव द माउस द Pointer also moves. जब हम माउस को हिलाते हैं तो ये एरो भी हमारा उसके साथ साथ हिलता है यानी मूव करता है उसके बाद है क्लिक क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस क्लिक का मतलब क्या होता है जो हमारी लेफ्ट वाली फिंगर है हमारी जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं अंगूठे के पास वाली है इसको अगर हम एक बार दबाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिक क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस क्लिक का मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द मोनिटर ये किस लेफ्ट का बटन लेफ्ट बटन एक बार दबाने से क्या होता है मॉनिटर के ऊपर किसी भी हम आइटम आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन क्लिकिंग वी हियर ए साउंड ऑफ क्लिक जैसे हम इस बटन को दबाएंगे इसमें से आवाज़ निकलती है कैसी कैसी निकलती है क्लिक की आवाज़ निकलती है ऑन क्लिकिंग वी हियर ए साउंड ऑफ़ क्लिक न ए माउस इज प्रेस्ड वंस अगर हम माउस के बटन को एक बार दबाते हैं लेफ्ट बटन को इट इज कॉल्ड द सिंगल क्लिक इसको हम क्या बोलते हैं सिंगल क्लिक दोबारा देखो क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस क्लिक का मतलब होता है माउस के बटन को एक बार दबाना इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द मोनीटर यह मोनीटर पर कोई भी आइटम को सिलेक्ट करने के काम आता है ओन क्लिकिंग वी हीयर ए साउंड ऑफ क्लिक बटन दबाने पर हमें कैसी साउंड आती है क्लिक की साउंड आती है वैन ए माउस इज प्रेस्ड वंस इट इज कॉल्ड द सिंगल क्लिक अगर हम माउस के बटन को एक बार दबाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सिंगल क्लिक इसके बाद क्या है अपना डबल क्लिक डबल क्लिक मीन्स टू प्रेस द प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली डबल क्लिक का मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन को फटाफट दो बार दबाना इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन एन आइटम ये किसी भी आइटम को सलेक्ट और ओपन करने के काम आता है डबल क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस डबल क्लिक का क्विकली डबल क्लिक का मतलब होता है कि माउस के बटन को फटाफट दो बार दबाना इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन एन आइटम ये किस काम आता है किसी भी आइटम को कंप्यूटर पे सेलेक्ट करने और उसको खोलने के काम आता है ठीक है ये जो लेफ्ट बटन है जिस पे हमारी इंडेक्स फिगर है इसको दो बार दबाया जाता है फटाफट इसके बाद है ड्रैग ड्रैग मीन्स टू मूव द माउस वाइल होल्डिंग द लेफ्ट बटन रेस्ट। इट इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट और ड्रा शेप्स ड्रैग का मतलब क्या होता है माउस को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना और माउस का हमें लेफ़्ट बटन दबा के रखना है देखो पहले माउस हमारा यहाँ पे था ये हमारा माउस पीछे हो गया इसको आगे पीछे करने को हम क्या बोलते हैं ड्रैगिंग ड्रैग्स मीन्स टू मूव माउस वाइल होल्डिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड ड्रैग का मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और उसको पीछे की तरफ लेके जाना है या आगे की तरफ लेके जाना है इट इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट और ड्रॉ पिक्चर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने और पिक्चर को ड्रॉ करने के कहा कर तक क्या पढ़ा है ए माउस इज यूज टू सेलेक्ट आइटम्स ऑन द मोनीटर ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स माउस मोनिटर के ऊपर किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के काम आता है पिक्चर ड्रॉ करने के काम आता है और गेम्स खेलने के काम आता है ये माउस जनरली हैज टू और थ्री बटन्स। एक माउस पे कितने बटन होते हैं दो या तीन प्रेसिंग द माउस बटन्स इज कॉल्ड क्लिकिंग माउस के बटन को दबाने को क्या बोलते हैं हम क्लिकिंग क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस क्लिक का मतलब होता है माउस के बटन को एक बार दबाना डबल क्लिक मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन टाइस की क्लिक डबल क्लिक का मतलब होता है माउस के लेफ्ट बटन को दो बार दबाना फटाफट दो बार दबाना ड्रैग मीन्स टू मूव द माउस वाइल होल्डिंग द लेफ्ट बटन रेस्ट ड्रैग का मतलब क्या होता है माउस को मूव करना लेफ्ट बटन दबा के लेफ्ट बटन हमें छोड़ना नहीं ट्रैक है ड्रैग करते समय अब देखो एक्सरसाइज इस में इसमें क्या है ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको वन बाई वन इसको रीड करना है और इसके अंदर इसका आंसर लेना से पहला है क्लिक इज यूज टू डैश एन आइटम सेलेक्ट डैश फिंगर इज यूज टू प्रेस द लेफ्ट बटन लेफ्ट बटन को हम कौन सी फिंगर से दबाते हैं इंडेक्स फिंगर से डैश क्लिक इज यूज टू ओपन ए फाइल फाइल को खोलने के लिए हम कौन सा क्लिक यूज करते हैं डबल द डैश मूव्स वैन यू मूव द माउस क्या 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 माउस के साथ हमारा चलता है पॉइंटर जब हम माउस को मूव करते हैं तो हमारा पॉइंटर भी मूव होता है इसके बाद आपको एक पिक्चर दी हुई है ठीक है इसमें माउस के बटन बने हुए हैं थ्री आपको इनके नाम लिखने हैं ये है लेफ्ट बटन स्क्रॉल व्हील और राइट बटन इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स ये माउस हैज फाइव बटन नो माउस के कितने बटन होते हैं टू या थ्री ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस ये क्या है आपका ट्रू द माउस पॉइंटर इज एन एरो माउस का पॉइंटर कैसे दिखता है हमारे को एरो की तरह वी ड्रैग द माउस टू ड्रॉ शेप्स ट्रू इसके बाद है अपना ये टिक द करेक्ट आंसर द माउस प्वाइंटर लुक्स लाइक एन एरो प्रेसिंग द माउस बटन्स इज कॉल्ड क्लिकिंग पुट योर डैश फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन कौन सी फिंगर इंडेक्स इसके बाद है आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ठीक है इसके हम आपको हम आंसर भेजेंगे आपने इसको लर्न करके कॉपी में लिखना है और बुक में लिखना है अभी तक जो मैंने आपको बताया है इस लेसन के बारे में आपने इसको पूरा ध्यान से रीड करना है ओके थैंक यू